प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटेंट्स किए थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, कि इस सीरीज में हम किन किन चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। तो इस सीरीज में जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है बेसिकली, कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग विच डील्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए वैक्यूम, ए गैस और ए सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो क्या है, एक फील्ड है साइंस और इंजीनियरिंग का, जो डील करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, चाहे वो वैक्यूम में हो, गैस में हो या किसी सेमीकंडक्टर में हो। या आप यूं कह सकते हैं कि जो डिफरेंट बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन्स का, बेसिकली उसको स्टडी करना, उसके बारे में डील करना, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। यह एक अलग तरीके से आप कह सकते हैं कि ये फील्ड है साइंस और इंजीनियरिंग का, जो इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस और उनके यूटिलाइजेशन के बारे में स्टडी करता है। इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस मींस कि ऐसे डिवाइसेस जिसमें कंडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स को यदि हम कंपेयर करें कोर ब्रांचेस से, कोर ब्रांचेस का मतलब है कि जो ब्रांचेस ऑलरेडी बहुत पुरानी ब्रांचेस हैं, जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ये कोर ब्रांचेस हैं जो बहुत पुरानी ब्रांचेस हैं। इनके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो नई ब्रांच है। पहले क्या था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको इलेक्ट्रिकल का ही इंटीग्रल पार्ट मानते थे, कि ये इंटीग्रल पार्ट है किसका, इलेक्ट्रिकल का। बट फ्यू डिकेड्स में, पिछले दशकों में जितनी भी एडवांसमेंट हुई इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उससे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिफरेंट फील्ड जो उभरा है। हम सब जानते हैं कि जो आज का टाइम है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स का है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो फाउंडेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और कंप्यूटर्स का। जितनी भी कम्युनिकेशन के एरियाज में, जितनी भी कंप्यूटर्स में जितनी बड़ी बड़ी छलांगें हमने लगाई हैं, जितनी डेवलपमेंट हमने की है, वो सब की सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की वजह से है। कि जितनी एडवांसमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में हुई है उसकी वजह से कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर्स में हमने इतनी इनोवेशंस की हैं, इतनी एडवांसमेंट की हैं। हम अपने ऑफिस में, घरों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज करते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच हम यूज करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, या आप DSLR कह सकते हो। कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं जो हम अपने घरों में, हमने अपने ऑफिस में हम यूज करते हैं, वो सब अनबिलीवेबल है। आज की डेट में इतनी एडवांसमेंट है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका बहुत डीप इम्पैक्ट है हमारे जो वाइटल एरियाज हैं उनके अंदर, जैसे कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट में हम यूज करते हैं, जो हेल्थ केयर के इक्विपमेंट्स हमारे पास उसमें हम यूज कर रहे हैं इनको, मेडिकल डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, या हम एयर या स्पेस जो ट्रेवलिंग है उसमें यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। इतनी सारी एडवांसमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में कि जो अनबिलीवेबल है, जो फ्यू डिकेड्स में हमने की है। तो अब हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एप्लीकेशंस हैं उसका एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। ब्रॉडली हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये बहुत अर्ली एप्लीकेशंस भी हैं, इनमें से कुछ ऑब्सलीट भी हो चुकी हैं। तो ब्रॉडली दी क्लासिफाई करें तो फर्स्ट है कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट, सेकंड हम कह सकते हैं डिफेंस में, थर्ड इंडस्ट्रीज में, फोर्थ मेडिकल साइंसेज में, एंड नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशंस में। तो ये ब्रॉडली क्लासिफिकेशंस हैं। एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन में यदि हम चेक करें तो कम्युनिकेशन में लाइन कम्युनिकेशन जो बहुत अर्ली यूज होता था इसका, टेलीग्राफी जो अब ऑब्सोलीट भी हो चुका है, टेलीफोनी में इसका यूज था, टेलेक्स जो था, उसके बाद टेलीप्रिंटर्स जो थे, ये सब लाइन कम्युनिकेशन के एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन के जो एप्लीकेशंस हैं उनमें रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है बेसिकली, उसके बाद टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, फेसिमाइल है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ये सारे के सारे वायरलेस कम्युनिकेशन की एप्लीकेशंस हैं ये। उसके बाद ऑडियो सिस्टम्स में जो एप्लीकेशंस थी ऑलरेडी, PA सिस्टम था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो हम यूज करते हैं, उसके बाद स्टीरियो एम्पलीफायर्स हैं, रिकॉर्ड प्लेयर्स हैं, टेप रिकॉर्डर्स हैं, ये बहुत अर्ली एप्लीकेशंस हैं जो हम नाउडेज कम यूज करते हैं या यूज नहीं होती, कुछ एप्लीकेशंस ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। उसके बाद डिफेंस में कहाँ पे यूज करते हैं, रडार जो है उसमें यूज करते हैं। रडार की जो फुल फॉर्म है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के एक मेन एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद डिफेंस में हम गाइडेड मिसाइल्स में यूज करते हैं, कोडेड कम्युनिकेशंस के अंदर यूज करते हैं। तो डिफेंस पर्पजेज के लिए हम बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होता है। उसके बाद इंडस्ट्रीज में जैसे CNC मशीन्स हैं, जो कंप्यूटर से, जो कंट्रोल सिस्टम से ऑपरेटेड होती हैं, वो CNC मशीन्स हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम उसमें यूज करते हैं।
उसके बाद ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम यूज होता है, हीटिंग एंड वेल्डिंग सिस्टम यूज, जितनी भी फर्नेस हैं हीटिंग के लिए वो सब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड होती हैं। उसके बाद मेडिकल साइंसेज में ट्रेमेंडस जो है वो एडवांसमेंट है, बिल्कुल डिजिटल एक्सरे है, जैसे ईसीजी है, कैट स्कैन है, पेट स्कैन है, एमआरआई है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन हम कह सकते हैं, जिसमें हम जो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करते हैं, जैसे VTVM यूज करते हैं, CRO, फ्रीक्वेंसी काउंटर, पीएच मीटर, स्ट्रेन गेज। तो ये सारी के सारी ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जो यूज होती हैं। अब हम देखेंगे मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो रियल बिगनिंग है वो 1906 में शुरू हुई, 1906 में शुरू हुई, जब वैक्यूम ट्रायोड इन्वेंट किया साइंटिस्ट थे ली डी फॉरेस्ट। इन्होंने 1906 में वैक्यूम ट्रायोड इन्वेंट किया। ये वैक्यूम ट्यूब्स डोमिनेटेड रहे वर्ल्ड वार टू तक। इसके बाद 1948 में जब ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ तो इसने कंप्लीटली रिवोल्यूशनाइज कर दिया इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को। उसके बाद जो फर्स्ट आईसी था, जो इंटीग्रेटेड सर्किट था, आईसी जो पहला आईसी जो मार्केट में आया वो अर्ली 60s के अंदर आया। तो ये सारी की सारी एडवांसमेंट जो है वो आईसी तक होती गई इसमें। तो आईसी के लिए जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन SSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन MSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और अब जो रिसेंटली हम यूज करते हैं VLSI यूज करते हैं। अब लास्ट के जो 20 ईयर्स हैं उसमें हमने नोट किया कि जो कंप्यूटर्स हैं और जो गैजेट्स हैं हमारे, उनके साइज में कितना रिडक्शन हुआ है, उनकी प्राइसेस में डिजिटल कंप्यूटर्स की बहुत सारा रिडक्शन हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट 20 ईयर्स में बहुत सारी इन्वेंशन हुई हैं, बहुत ऊंची छलांग हमने लगाई है कम्युनिकेशन और कंप्यूटर्स के फील्ड में। तो लास्ट में हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जो डील करती है माइक्रो मिली रेंज ऑफ वोल्टेजेस के अंदर, करंट के अंदर, पावर के अंदर, तो वो कैपेबल है कंट्रोल करने के लिए, जो किलो और मेगा वाट्स हैं उसको कंट्रोल करने की कैपेबल है। कंट्रोल सिस्टम हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं जो माइक्रो और मिली में डील करता है। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।